देखते जाना क्या बोला था बेटे। इस टाइप का जो लूप वाले मान लो बहुत सारे सर्किट वाले पार्ट होते हैं, बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होती है, उसमें हम लोग को यहाँ पे आई वन आई टू आई थ्री फाइंड करना, आई वन आई टू कितना है फाइंड करना। ओके, और ये वाला जो हमने एयरटेल के रिचार्ज सुना क्वेश्चन, देखो जस्ट मान लो ऐसा था कि जैसे ऑफ लिखा है ना, तो जैसे मान लो किचन फ्लो जहां पे बोले होम फ्लो काम नहीं कर पा रहे। ओके, होम फ्लो कौन आराम से काम करता है, जैसे एक्सेल है बहुत सारे रेजिस्टेंस है, होम फ्लो आराम से काम कर लेता है, लेकिन किचन फ्लो भी वहां पे काम करता है, लेकिन जहां पे होम फ्लो को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर रहे हैं धूप वगैरह के, वहां पे हम लोग किचन फ्लो अप्लाई कर रहे हैं। किचन फ्लो दो लॉ होता है, एक होता है किचन का जो कारण लॉ, किचन कारण लॉ, और एक होता है किचन के वोल्टेज का, किचन के वोल्टेज का। तो वो तो कारण लॉ तुम लोग जानते हो, जैसे मान लो कोई एक पार्ट है ये आई वन करंट, आई टू ये मान लो आई थ्री है, तो आई वन का पॉजिटिव लिया ये आ रहा है इस पॉइंट में वापस आ, तो माइनस आई टू माइनस आई थ्री इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग जानते हैं आई वन इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई वन इक्वल टू आई वन प्लस आई टू टेन क्लास में पढ़े थे, उसी को ऐसे लिख दो तो बन जाए किचन के फर्स्ट लॉ। ओके, किचन के फर्स्ट लॉ करंट लॉ वाला क्या किचन का आज फास्ट शॉर्ट में लिख दिया किचन का फास्ट। तो इससे जो थोड़े जो मान लो कि पार्ट हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो कि दूसरा पार्ट में अभी बता दे रहा हूं, जैसे हम लोग टेन क्लास में सब पढ़ते थे, यहां पे बोलते थे वी वन, यहां पे बोलते वी टू, यहां पे बोलते थे वी, और वी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं वी वन प्लस वी टू। एक्चुअली वी इक्वल्स टू यहाँ पे जो आर वन रेजिस्टेंस था आई आर वन, यहाँ पे आई आर टू, यहाँ पे वोल्टेज दिया था, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, जहां पे ड्रॉप हुआ माइनस, तो कैसे करके आते हैं वी इक्वल्स टू आई वन सॉरी आई टू तरफ आई आर वन प्लस आई आर टू, इसकी इधर लेके आओगी तो आई आर वन माइनस आई आर टू इक्वल्स टू जीरो, तो क्या लिखेंगे डेल्टा वी इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएंगे किस का सेकेंड, इसको बोलते लूप का। ओके, तो लूप क्या ये वाला हो गया तुम्हारा सेकेंड लॉ, ये वाला हुआ फर्स्ट, फर्स्ट लॉ में चार्ज का कंजर्वेशन है और सेकेंड लॉ में एनर्जी का कंजर्वेशन है। हर दिन ऐसे ऐसे करके रिविजन करते हैं, पहले भी बताया था, तो ये दोनों हमारा पहले से क्लियर हो गया। इसको अभी देखते हैं, कोई छोटा सा सर्किट देते हैं, इसके अंदर दो रेजिस्टेंस हो और एक ये हो, तो जैसे मतलब छोटा एक सर्किट देते हैं, इसमें तीन ओम का रेजिस्टेंस है या मान लो छह ओम का रेजिस्टेंस, ये नाइन वोल्ट का बैटरी है, इस तरीके से देता हूं। तो इससे क्या हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग ओम्स लॉ लेके सॉल्व करेंगे, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, आर एस इन द सीरीज में थ्री प्लस सिक्स दैट इज नाइन ओम, और जो हम लोग जानते हैं वी कॉस टू आई आर, वी कॉस टू आई आर एस हो जाएंगे, वी कितना नाइन वोल्ट, आई हो गया एस हो गया नाइन, तो आई इक्वल्स टू वन एम्पीयर, आई इक्वल्स टू क्या हुआ वन एम्पीयर। अभी इसी चीज को मतलब किचन लॉ में अप्लाई कर दो, किचन लॉ। ओके बेटा सुनो, जो मतलब क्वेश्चन नहीं होते आपस में बात करते, खुद सोचो तभी होगा, नहीं तो बाद में दिक्कत। तो आर एस इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू नाइन, और दूसरा चीज एक चीज बता देता, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं तभी मिस्टेक होते हैं, कभी कभार देखो कि प्लस माइनस में,
सेम वही बुक में जब आंसर देते, कोई की बुक में भी गलत आंसर दिया कि जब उसने फाइंड किया तो देखो प्लस माइनस में गलती कर दिया और गलत आंसर आ गया। तो इसीलिए बुक में जो आंसर दिया है वो करेक्ट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। इस केस में इसमें मिस्टेक ज्यादा होता है, इसीलिए कोई आंसर नहीं आया इसका मतलब तुम गलत हो, ये भी गलत हो नहीं है, बिकॉज बुक में गलत होते हैं तुम सही हो सकते हो। क्लियर बेटा? इसीलिए उसको अच्छा से ध्यान डालो, ठीक है बेटा। अच्छा जैसे ये वाला है, इसमें हमने क्रिचॉफ लॉ अप्लाई कर बाय यूजिंग क्रिचॉफ लॉ। फॉर्ट में लिख दिया क्रिचॉफ लॉ अप्लाई कर, कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। यहां पे हमारा आंसर आया था जो 3, 6 और 9 वोल्ट का बैटरी, यहां पे 1 एम्पियर आया था तो किशोर लगा के भी 1 एम्पियर होगा। किशोर को जब अप्लाई करते हैं तो उन लोग बोला था, कई बोलते हैं कि सर आपने क्लॉक वाइज लिया, हमने एंटी क्लॉक वाइज लिया, कोई मुश्किल नहीं, हमने पहले इसको क्या बोलते हैं क्लॉक वाइज, किशोर पे अप्लाई कर रहे क्लॉक वाइज डूब गई तो क्लॉक वाइज लिया। तो क्या होता है इसमें देखो, तो वाला इस ध्यान रखना, ये वाला स्मॉलर ये वाला हायर, ये होता है जब कोई चीज स्मॉलर से हायर में जाएगा गेन होगा तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। थोड़ा लिख के रख दिया लो, जैसे सेल का केस है, और ध्यान रखोगे जब सेल के अंदर करंट को नहीं देखेंगे, सेल के अंदर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को देखेंगे और रेजिस्टेंस के अंदर करंट को हम लोग चेक, ठीक है। बार बार कॉन्फ्यूज नहीं होगा, सेल के अंदर हायर और लोअर पोटेंशियल को नहीं उसको देखेंगे और जो रेजिस्टेंस है उसको करंट को देखेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये वाला हायर के लिए ये लिख दिया एच और इधर लोअर सेल, हायर टू लोअर है, हायर टू लोअर, और डेल्टा भी जो है नेगेटिव और लोअर टू हायर है, डेल्टा भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ वो भी हम तुमको बताते हैं, इसके रेस्पेक्ट में हमने लोकेशन किया इस डायरेक्शन में होगा, तो ऑलवेज ध्यान रखना करंट एक डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन ऑफ लूप है। करंट का डायरेक्शन तो इसी करके हमने बना दिया, ये हुआ लूप का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन ऐसी करते हैं, यहां पे लूप का डायरेक्शन डॉट डॉट करके बनाते हैं, डॉट डॉट। तो लूप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, लोअर से हायर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे प्लस 9 वोल्ट, प्लस 9 वोल्ट। दूसरा इस डायग्राम पे लूप का डायरेक्शन जो होगा ऐसे होगा, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम होगा, तो वहां पे करंट नेगेटिव है। क्यों होगा? बिकॉज तुम रीजंस के साथ याद नहीं रखोगे, हल तुम्हें याद कर लिया कि दोनों सेम होगा तो नेगेटिव होगा। अरे पहले तो रीजन से ध्यान रख, जब रीजंस के थ्रू ध्यान रखते तो अभी वो याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। मान लो कि हमने ये चीज बोलते हैं ये वाला रेजिस्टेंस, तब सर्टिफिकेट कुछ नहीं बना, एक करंट का डायरेक्शन लिया है, तो करंट का डायरेक्शन लिया तो रेजिस्टेंस इधर वाला क्या होगा हायर, इधर वाला क्या होगा लोअर, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो हायर टू लोअर में नेगेटिव होती है, हायर टू लोअर जाएगा तो नेगेटिव। अभी लूप का डायरेक्शन भी ऐसा है, ये लूप का डायरेक्शन, तो लूप का डायरेक्शन भी हायर टू लोअर, यहां पे करंट क्या होगा नेगेटिव आएगा, करंट क्या होगा नेगेटिव। आज मतलब कि बोलते देखो ये चल रहा है एल, ए हो गया एच, ये करंट का डायरेक्शन, तो रेजिस्टेंस इधर वाला हायर इधर वाला लोअर, तभी तो करंट जाते हैं, तो हमने करंट का डायरेक्शन ऐसे आर्बिट्री जो मान लिया था, अभी लूप को घुमा रहा हूं ऐसे, लूप को घुमा रहा हूं ऐसे, ये इधर ये इधर, ये लोअर टू हायर है, तो यहां पर करंट क्या होगा प्लस। ये चीज भी अच्छे से ध्यान रखना,
इसका मतलब किसी उसमें अप्लाई करने के टाइम में मेन जो चीज होती है तुम्हें डायरेक्शन ऑफ लूप के साथ डायरेक्शन ऑफ करंट का बहुत ज्यादा जरूरत है कहां पे रेजिस्टेंस में। और सेल में कुछ नहीं, सेल में करंट का डायरेक्शन नहीं देना, मानी लूप का डायरेक्शन और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और नहीं तो हायर टू लोअर, लोअर टू हायर। अंडरस्टूड? तो अभी इस चीज को देखते हैं 9 वोल्ट हुआ। अभी तुम लोग पहले इजी करने के लिए मैंने यही सब कर दिया क्योंकि यह लूप का डायरेक्शन नहीं था। तो अभी ये वाला प्लस 9 होगी, ये वाला क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है तो -3i, ये वाला भी सेम डायरेक्शन है -6i और टू जीरो। तो जो 9i = 9, i = 1 एम्पियर हो गया 1 एम्पियर। ये किससे किशोर प्लस, तो किशोर प्लस जहां उसमें अप्लाई होता है वहां पे भी होगा, लेकिन जहां जहां ओम्स लॉ से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे वहां पे किशोर लॉ पक्का नहीं जाए। ओके बेटा, किशोर का दोनों लॉ अप्लाई करके होगा। अच्छा, फिर अभी ये वाला तुमको बता दिया था, नेक्स्ट जो है और बीच बीच में इसको देखोगे तो बता देंगे, ये तो आज पढ़ोगे कल भूल जाते कोई इसमें। इसमें ऐसा लिया, अभी होता है कि कोई बोला पॉजिटिव लो, कोई बोला क्लॉकवाइज लो। अब ये 3 ओम, ये बोला कौन सा 6 ओम। अभी हमने ऐसा नहीं लेके, हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, दैट मीन्स ये बोला क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहां पे क्लॉक लिया था, यहां पे एंटी क्लॉक ले लिया। एंटी क्लॉक लेती ही तुम घंटा को के यूं घूमेगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा लूप का और इसका ऊपर ऊपर होगा। ये बड़े वाला क्या होता है पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो इसमें क्या हो रहा है 9 तो हमने बोला था 9 वोल्ट इसकी है, ये आ गया होगा प्लस से माइनस तो -9। ये देखो अपोजिट है, करंट का डायरेक्शन तो ऐसे लिया था, करंट और लूप का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट में प्लस, प्लस आई इंटू 3 प्लस आई इंटू 6 इक्वल टू 0। तो 9i = 9, i = 1 एम्पियर। तो अभी तुमने लूप कंसीडर कैसे करते हैं, साइन कैसे लेते हैं वो सीख लिया। अभी उसी को जब इसमें अप्लाई करोगे, दो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, इसे अप्लाई करोगे आंसर आएगा, उसे अप्लाई करोगे आंसर आएगा। कभी कभार हम लोग आंसर निकाल लेते उसमें गलत हो जाते हैं कभी कभार। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, तो अभी फ्रेश किया, अभी वो इसे अप्लाई करके करो, बाकी इधर जो क्वेश्चन दिया उसमें करो, क्वेश्चन की इधर शिफ्ट कर देता हूं उसमें। क्लियर? इस तरीके से लूप को लिया, लूप होगा तो डायरेक्शन ऐसे जा रहे, फिर जाते जाते यहां पे क्या होगा डायरेक्शन ऐसे ऐसे, दो ही तो चीज है इस लूप में पर तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कहां पे जा रहा बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर, तो क्या लिखेंगे 10 वोल्ट इसका प्लस। उसके बाद यहां पे क्या 1 ओम रेजिस्टेंस था, कारण कितना i2, बिकॉज इधर से भी तो i2 ही आएगा। ओके, और इधर से कितना था i1 था, तो i2 कारण की बात करें, i2 और 1 ओम इतना ड्रॉप होगा। तो अभी इसका डायरेक्शन इधर, कारण का डायरेक्शन भी इधर, सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव, तो -i2 × 1। फिर उधर देखा, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव तो -6, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या सेल में, सेल के अंदर डायरेक्शन, इसका करंट का डायरेक्शन क्या है इधर और हमारा लुक है इधर, करंट ऐसा है ना लुक इधर, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा प्लस की, तो प्लस क्या है बेटा i1 × 0.5 = 0, ठीक है ना। तो क्या पोजीशन हुआ हमारा, ये हो गया 4
ये हो गया माइनस आई टू, ये हो गया तुम्हारा 0.551 इक्वल्स टू 0 आई वन, ठीक है किधर। तो अभी इस फॉर्म को उधर लिख देते 0.5 I1 माइनस आई टू इक्वल्स टू तुम्हारा माइनस, ओके 0.5 I1 माइनस आई टू इक्वल्स टू माइनस टू, ये वाला रख दिया फर्स्ट इक्वेशन बना। इसके बाद तुमने ये वाला लूप लिया हो जो डी ए डी एफ ए डी एफ सब कुछ है ना, डी एफ ए बी सी डी ये वाला लूप लिया। तो इसके मतलब ये जो है ना ऐसे करके ऐसे वाला बनते है ना, तो क्या हुआ ऐसी करते जा रहे है ना ऐसे जा रहे। तो इस जगह में जब तुम ये लुक को लोगे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लुक का डायरेक्शन भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना जाएगा जाएगा बीप, ये जब आएगा है ना यू आया, क्लियर। तो इस जगह पे जो है हम लोग का देखेंगे ये नेगेटिव से पॉजिटिव, अब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था दोबारा हूं करेंट आई थी, और ये वाला कौन सा आई टू। तो इस जगह से जब मान लो माइनस से प्लस तो 10 वोल्ट, 10 तो फोर लिखने का जरूरत नहीं, 10 लिख दिया। इसके बाद करंट का डायरेक्शन है और लूप का डायरेक्शन भी सेम, तो नेगेटिव तो माइनस आई टू इंटू वन मालूम की बात है। इसके बाद इधर करंट का डायरेक्शन है, दोनों डायरेक्शन क्या होगा सेम में, सेम में तो माइनस माइनस आई थ्री इंटू 12 फर्स्ट जी, तो याद रहेगी माइनस आई टू माइनस 12 आई थ्री फर्स्ट टू माइनस 10 आई टू आई टू प्लस 12 आई थ्री फर्स्ट टू 10। लेकिन ये वाला आई वन आई टू से ये वाला आई थ्री से, आई थ्री को चेंज कर देंगे, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री था, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री था, तो आई थ्री की जगह वैल्यू पुट कर दे, ठीक है। अच्छा जिसके क्वेश्चन की जरूरत है मतलब दोनों हो गया तो अच्छा ठीक तो हो गया, तो उधर तुम्हारा जेई मेंस का पूछे हुआ से क्वेश्चन लिख दे जो भी पूरी 10 साल 15 साल में जो भी आए सब नंबर पसंद से कर। अच्छा ये वाला हो गया बेटा आई वन आई टू, यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूट कर दो आई थ्री, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट, ये वाला तुम्हारा सेकेंड, ये तुम्हारा थर्ड, ये वाला यहाँ से आए, ओके आई थ्री सब्स्टिट्यूट कर दो आई टू प्लस 12 आई वन प्लस आई इक्वल्स टू 10 I2 plus 12 I1 plus 12 I2 equals to 10. So 12 I1 plus 13 I2 equals to 10. एक फोर्थ वाला पार्ट में दोनों अभी सेम आ गए, I1 है ये भी I1, तो अभी इसको मान लो हम लोग 13 से इंटू कर देते तो हो जाता फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख के 13 से इंटू 13 से इंटू करे तो कितना होगा 6.5 I1 है ना, और कितना होगा 13 I2 इक्वल्स टू 13 माइनस 52, ओके। उसके बाद 12 I1 प्लस 1 13 I2 इक्वल्स टू 10 ऐड होगी, ऐड जब होगा कट जाएगी
कट जाएगी और उसमें से कितना होगा 18.6 18.5 माइनस 42 आ रहा है, ऐड कर लेते आई वन इक्वल्स टू माइनस 42 18.5 तो माइनस 42.0185 तो अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, हाँ जितना भी आएगा तो मतलब इसको मतलब तुम्हारा कितना है 5 से काट दो तो यहाँ पे माइनस 84 हो जाएगा और यहाँ पे 37 हो जाएगा आई वन के वैल्यू होगा। ठीक है, अभी सोचते हैं कि तुम्हारा क्यों नहीं आया, बिकॉज अभी तुम कर रहे थे तभी तुम्हारा माइंड में था मेरा तो गलत है, जब से नहीं आंसर आया तभी भी क्या है कि लानते कि मेरा गलत है, उन लोगों को 37 आ रहा था मेरा तुम्हारा नहीं थी, ये गलतियां होती है। आकाश की कॉपी में क्या था, इधर माइनस 42 है, यहाँ पे 10 है, गिर करके 62 कर दिया, क्या करना पहले मैंने गलत कर दिया प्लस का, इसमें जैसे कर रहा है यहाँ पे प्लस का बटी चुकी है इसलिए उसका आंसर गलत है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से क्या पुलिस को करो। ठीक है, मान लो तुमने 2 घंटे में 1 क्वेश्चन कर लो, सपोज तुम्हारा स्पीड स्लो है लेकिन डायग्राम अच्छा बने, प्रॉपर प्रोसेस को मान लो ध्यान रखे और उसको सॉल्व करते जाए। किसी भी लोग जब रूल सीख जाते हो बाइसन मतलब कभी कॉम्पिटेरी मीन में कोई 1 क्वेश्चन भी आता है उसको करेक्ट वे में करें और टाइम को सेव भी करें। ओके, ये हो गया माइनस 84/36। उसके बाद हम लोग इस तरफ देख लेते हैं बाकी ये जो वैल्यूज है कैसा आएगा, आई वन का माइनस 84/37 आया, फिर आई वन यहाँ पे पुट कर दे तो वही है आई वन की वैल्यू इतनी थी, इसे पुट करके फिर आई टू का वैल्यूज आ जाएंगे। ये पॉइंट वाला केस है, आई टू भी जा रहे हो तो कैलकुलेशन बड़ा ही होगा लेकिन आई टू डायरेक्ट आ जाएंगे इसमें से 0.5 आई वन माइनस आई टू इक्वल्स माइनस 2। अच्छा देखो ये 10+ से हम लोग एक गलत चीज में चलते हैं, 10th और 9th से सभी कहते हैं तुम्हारा मैथ अच्छा नहीं है तो बायो ले लो, ठीक है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कैलकुलेशन, 10+ में मैथ में कुछ है और तू उसमें देख ले मैथ में जो है कैलकुलेशन ही ज्यादा नहीं है, लेकिन इसीलिए हम लोग पहले से ही हम लोग की गलत सोच होता है। तो 5 आई वन 0.5 × −4 2 0 इसी को ले लो, आप किसी को भी ले −84/37 −42 इधर आ गया 37 −42 −4 थोड़ा ध्यान से करें 4 5 20 40 42 −42/37 तो −I2 = −4 + 42/37। ओके, इसमें देखो कभी कभार कोई कोई सीनियर टीचर कहते हैं ये बोला जो है ना, हम लोग को जब मान लो कोई सिखाता था तो मान लो बोलता था किचन्स लोग कि पहले होता है ना बहुत सारे नॉर्मल कंपनीज होता है उसको पैसे जमा कर दो जल्दी मनी आ जाए, 3 साल में डबल हो जाएंगे, पोस्ट ऑफिस में रखोगे तो 5 साल में डबल होगा, तो नॉर्मली जल्दी जल्दी करते चलते जल्दी के चक्कर में जीरो हो जाते हैं, कंपनी क्या होता है डूब जाते हैं, पैसा पूरा चला जाता है, उसी टाइप में नहीं करेंगे, आराम से करो पहला 2-3 स्पीड बढ़ जाती है अच्छा से करो 28 और
संख्या बारह बारह वन टू थ्री प्लस 42 तो क्या हुआ माइनस 106 अपॉन 37 क्या आया देयर फोर आई टू इक्वल्स टू आ गया माइनस 106 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 106 अपॉन 37 आई थ्री भी फाइंड हो जाए क्लियर बेटा कहां मिस्टेक होता हूं पर बार बार सोच रहे हो कि दोस्त का सही है ना मेरा गलत मैं उससे पता कर लू पता ना थे ना खुद का कर लू तो बहुत बढ़िया तो इसमें आई वन आई टू हम लोग को फाइंड करते हैं ना तो हम लोग कैसे ले लेते हैं किसी को कोई भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिया है ना क्लॉकवाइज दिया तो पहले हम अपना इधर इसे से डॉट डॉट बना देंगे ओके इधर से डॉट डॉट बना देंगे यहाँ से डॉट डॉट बना देंगे अरे यहाँ से डॉट डॉट बना देंगे अरे ठीक है ना फटाफट अभी करेक्ट कर दीजिए क्या लिखो यहां से शुरू किया ना बी सी डी ए मैंने शुरू किया तो पहले ये बोला था इसका रेजिस्टेंस आपको दिया मालूम था ना और इसमें आई वन आई टू का रेंज आ रहा था ना आई वन आई टू यहां पे तो यहां से शुरू किया तो वन इंटू दोनों सेम डायरेक्शन माइनस आई वन आई टू सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन तो आई वन प्लस आई टू इंटू वन ठीक है क्लियर अपोजिट डायरेक्शन में इसका इधर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस वन इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं तो आगे बढ़ते चले जाते यहां पे आ गए ये कितनी वोल्ट की थी टू वोल्ट तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस की यहां पे जो करंट है वो आई वन है आई वन करंट आ रहा है ना करंट इधर डूब इधर ये भी क्या होगा प्लस की आई वन इंटू फोर इक्वल टू जीरो इसलिए आई वन प्लस आई टू माइनस वन प्लस फोर आई वन इक्वल टू जीरो फाइव आई वन प्लस आई टू इक्वेशन हो रहा है तो पहले जैसी लूप लिया उसका काम हो करेंगे फिर इस लूप को भी जैसे मान लो इस तरीका से ले लिया मान लो थोड़ा एंटी क्लॉक वाइज ले लो मान लो तुम एंटी क्लॉक ले लेते तो एंटी क्लॉक वाइज ले कोई दिक्कत नहीं यहां से मान लो वही चीज आ जाएगी ऐसे जा रहा वो तुम्हारा मर्जी है कैसी उसके बाद लूप इधर लूप का इधर डॉट वाला लूप का डायरेक्शन और सॉलिड वाला करंट का तो इसमें लूप ले लेते इधर ये वाला तो हो गया सब कर देता हूं जो हम लोग इस तरीका से ले रहे थे सी और डी ऐसे लिया ना सी डी ए सी दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में है, वाई वन प्लस आई टू इंटू वन नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस वन इधर आया माइनस फोर इधर गया ये इधर है इधर तो सेमी चल रहा आई टू इंटू टू इक्वल टू जीरो आई वन प्लस आई टू वन माइनस फोर दैट इज माइनस थ्री टू आई टू इक्वल टू जीरो तो थ्री आई टू माइनस प्लस आई वन इक्वल टू थ्री ये चीज हो गया ना ये इक्वेशन है देखो आई वन को पहले लिखो ये है ना दोनों इक्वेशन चेक करो आएगा उसमें तो ये तो वाला की चार वोल्ट है और यहाँ पे तुम्हारा कौन से दैट इज वन वाला पार्ट है तो यहाँ पे वन वोल्ट की थी तो तुम्हारा वन वोल्ट हुआ ओके ये वाला आई वन प्लस आई टू था वन था यहाँ पे कितना दैट इज फोर वोल्ट ये वाला टू ठीक है फोर वन टू कितना है ये वाला डिस्टेंस टू है ना ये चीज हुई तो देखो अभी तुम्हारा क्यों डिफरेंस है चेक करते तो फाइव आई वन इंटू फिफ्टीन आई टू इक्वल्स कितना होगा फिफ्टीन और पहले हम लोग कहा था फाइव आई वन प्लस आई टू इक्वल्स टू वन ओके तो माइनस कट दिया तो वाला कट गया ये हो गया तो कितना होगा फोर्टीन आई टू इक्वल्स टू माइनस फोर्टीन जीरो है क्या फाइव आई वन और ये वाला कौन सा था आई वन प्लस थ्री आई टू इक्वल्स टू थ्री तो अभी आई वन प्लस थ्री इंटू वन इक्वल्स टू थ्री आई वन इक्वल्स टू थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देयरफॉर आई वन इक्वल्स टू जीरो बोर्ड में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया रेजिस्टेंस पूछा रेजिस्टेंस के वैल्यू जीरो है तो भी हम दे देंगे